सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका मेरे चैनल आर एस चॉइस ब्लॉगर पे। और आज का ब्लॉग अभी स्टार्ट हो चुका है और सुबह हो चुकी है और आगे का ब्लॉग आपने देख लिया होगा। इंगेजमेंट भी कंप्लीट कुल मिला के हो गई है, निपट गई है। और आई होप आपको इंगेजमेंट के ब्लॉग अच्छे लगे होंगे। वो सारे ब्लॉग राहुल भगत मेरे दोस्त मेरे भाई ने किए हैं और जैसे भी किए होंगे वो आप कमेंट में आपने कमेंट कर लिया और बहुत ही प्यार दिया। और आई होप आगे भी आप बहुत ही प्यार देंगे सपोर्ट देंगे। और बाकी मौसम आप देख सकते हो आजकल पूरा क्लीन मौसम है, बस इंगेजमेंट के दिन हल्की बारिश हुई थी और बाकी मौसम एकदम क्लीन ही है। और आजकल खेतों में आप देख सकते हो सरसों के फूल हो रखे हैं एकदम, ये आप देख सकते हो पूरा पीला पीला दिखाई दे रहा है और बहुत ही सुंदर है। और बाकी यहाँ पे है दादी और आज का काम यह है कि मुझे अभी पहले पानी पुनी पिलाना है गाय भैंस को। और माँ तो निकल गई है घास के लिए जंगल। ये देखो दोनों माँ और बच्चा अगर पानी पी रहे हैं। तो दोस्तों गांव की बात करें तो आजकल आप देख सकते हो पूरे खेतों में सरसों के फूल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और मौसम भी बहुत ही खूबसूरत है। और मैं आ चुका हूँ माँ को लेने के लिए। और सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका मेरे चैनल आर एस चॉइस ब्लॉगर में। और मेरे गाँव का नाम है देवर और आज है 14 फरवरी और मतदान आज कुल मिला के होने वाला है। और हमारे गांव में यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है, वहीं पे मतदान की प्रक्रिया संपन्न होती है और शुरू होती है। सो तैयार तैयार में हो चुका हूँ, थोड़ा नाश्ता वास्ता करते हैं और निकलते हैं कुलमला के स्कूल की। और आपको दिखाऊंगा आज के ब्लॉग में कि हमारे गांव में मतदान कुलमला की कैसा होता है और कितनी भीड़ होती है और मतदाताओं की कितनी संख्या है, सब कुछ आपको ब्लॉग में मिलेगा। तो आप ब्लॉग में बने रहें और किसका प्रचार प्रसार ज़्यादा है वो तो बाद में पता चल जाएगा। और तो चलिए बने रहें ब्लॉग में। सो ये हमारे गांव की प्राइमरी स्कूल और यहीं पे मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और अंदर भी वीडियो बनाना तो वर्जित है, तो अंदर वीडियो नहीं बन पाएगी। सो अभी शाम हो चुकी है और वैसे ही आज मतदान भी था और अंदर तो कुल मिला के वीडियो बनाना वर्जित था, कुल मिला के अंदर नहीं बना पाए। और बाकी वोटिंग वोटिंग हो चुकी है। और मौसम की बात करें तो अभी हल्के हल्के बादल आसमान पे आ चुके हैं, बाकी पूरा मौसम क्लीन ही है। और आजकल खेतों में ये सरसों के फूल हैं और बहुत ही सुंदर यहाँ पे लग रहे हैं, तो एक छोटा सा शॉट इन सरसों के फूलों का बनाता हूँ। तो और आप बने रहें ब्लॉग में। आज गोभी हो गया,
सुनना है इस घड़ी की थोड़ा आप। तो दोस्तों सब्जी मैंने काट लिया, ये आलू गोभी हो गया, शिमला मिर्च और बाकी बनानी इसमें कुल मिला के बनानी मान है और मेरा काम तो हो गया, बाकी थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं और आगे का काम करेंगे मम्मी। और यह है आग वाला किचन, मिट्टी वाला, और अभी यहाँ पे माँ आग जलाएगी और कुछ लकड़ियाँ ये है कुछ यहाँ पे ऊपर रख दी है, तो आग जलने के बाद सब्जी बनाएगी कढ़ाई में और आग उनमें आग वाले चूल्हे में। और यहाँ पे सब्जी है, इसमें प्याज होंगे, टमाटर और लहसुन है, जिसको उनमें के बारीक करेंगे और फिर सब्जी बननी हो जाएगी स्टार्ट। और कढ़ाई यहाँ पे हमने चूल्हे में रख दी है, तेल इसमें पड़ चुका है, बाकी प्याज कट चुका है, लहसुन को बारीक कर दिया है सिलवटे में ये पत्थर का, और बाकी आग एकदम फर्स्ट क्लास। ये है सरसों ब्रांड का तड़का ले गए थे सरसों, ये प्याज पड़ चुका है और ये कट रहा है टमाटर टोमेटो। ये पड़ चुका है लहसुन, ये पड़ चुका है यहाँ पे लहसुन और अदरक, अब पड़ेगा इसमें टमाटर। और यहाँ पे नमक पड़ रहा है, और अगर चूल्हे और गैस के बनाए खाने की बात की जाए तो गैस और चूल्हे के खाने में बहुत ही अलग टेस्ट आता है, शिमला के जो चूल्हे में बनता है ये वाला खाना तो बहुत ही टेस्टी होता है, शिमला के पूरा नेचुरल तरीके से ये बन रहा है। चूल्हे पे आग जल रही है और ये लोहे की कढ़ाई में, और गैस का कुल्ला के स्वाद ही कुछ अलग होता है, तो कुल्ला के इन दोनों में बेटर है चूल्हे का खाना और
बहुत ही स्वादिष्ट भी होता है और हमारे पहाड़ों में ज़्यादातर ये चूल्हे का बनाया खाना ही कुल मिला के बनाया जाता है और इसी का प्रयोग किया जाता है। और ये सब्जी धोने के लिए और ये और ये है नई पर आज आई थी मेरी सगाई में यार। अभी यहाँ पे आटा गूंथ रहा है और हेलो गाइस कैसे हो आप सब जी मणिपुज है मेरा ट्रेडिशनल तरीका छूट के ये क्या बोलते इसको नया जमाने का तरीका अपना दिया है। सब यहाँ पे खाना बन चुका है बस खाने की तैयारी है और यह रोटी सब्जी वहां पे अभी निकल रही है और यह है दूध शुद्ध पहाड़ी दूध। सब्जी ये सब्जी होगी दूध होगी और रोटी और कुछ यहाँ पे तो अभी रोटी खाते हैं फिर मिलते हैं। सो दोस्तों खाना खुना भी अभी हो ही चुका है और पेट भी एकदम फुल हो गया है। बाकी पहाड़ी भोजन तो क्या ही बोले बात ही अलग है निराली है। और बाकी अभी हो चुका है वीडियो को एंड करने का टाइम और रात भी हो चुकी है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको कल और एक और नई ब्लॉग।